Hello? फरिया, रात की सब खैर है? अस्सलाम वालेकुम शाकू पापा, आई एम सो सॉरी मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया है फ़ोन करके। नहीं नहीं, तुम ठीक हो? बाकी सब ठीक है ना? वो फरहाद के अब्बा का इंतकाल हो गया है। क्या? फरहाद के अब्बा की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था बेटा उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। फरहाद ठीक है? फरहाद शॉक में है। मैं हॉस्पिटल से घर चली आई थी, वो अपने घर चला गया था और उसके बाद से हमारी बात नहीं हुई है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इससे मैंने आपको फोन कर दिया। तीन शगुपोपो मैं इस सिचुएशन में चाह कर भी उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। उसकी फैमिली मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है, फिर उसकी अम्मी अलग मुझे कसूरवार ठहरा रही है सब सिचुएशन के लिए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फरिया बेटा, ये सब ऊपर वाले के काम होते हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम दिल पे बिला वजह का बोझ मत लो। बाज़ औक़ात लोग दुख में ऊट पटांग बातें कर जाते हैं। परेशान नहीं हो फरिया, सब ठीक हो जाएगा। शगु, फरिया घर पे अकेली, उसको बोलो आमिना उसे अभी लेने जा रहे। यही ठीक रहेगा। फरिया हामिद कह रहे हैं कि हम तुम्हें अभी लेने आ जाते हैं, तुम अकेली हो, यही मुनासिब रहेगा। नहीं पप्पो, वो मसला नहीं है, मैं अकेली नहीं हूँ। छन्नू आंटी है ना, हमारी जो नेबर थी, वो मेरे साथ ही हैं। उन्होंने और उनके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इस सिचुएशन में, वो है साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ कोई है, क्योंकि अगर फरहाद अपनी फैमिली के साथ है तो तुम्हें भी अपनी फैमिली के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, फिर हम सुबह तुम्हें लेने आ जाएंगे, तुम हमारे पास आ जाना जब तक फरहाद नहीं आता। मैं देखती हूँ, मैं कल देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, जितना हौसला मिला है आपसे बात करके। मैं बहुत परेशान थी। मेरा बच्चा, तुम्हारा जब दिल करे तो मुझे फ़ोन कर लिया करो, ज़रा भी ना सोचा करो। मैं तो वैसे ही तुम्हारी आवाज़ सुन के खुश हो जाती हूँ। अच्छा, आई एम रियली सॉरी मैंने आपको ना इस टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया, मैं करना नहीं चाह रही थी, लेकिन ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी, मैं कल फ़ोन करती हूँ, बाय।